कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रात का वक्त है। अगर ऐसे सिचुएशन में आपके मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है जिससे कि मशीन बंद होने का अंदेशा होता है कि अब क्या होगा, इतने रात में हम किससे मदद मांगेंगे, कोई मदद करने वाला भी नहीं है, तो इस स्थिति में अपना दिमाग लगाएं और काम चलाएं। आइए दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है भाई इसका, एकदम पट पिट करके ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए इधर से, बिल्कुल भी इसने कुछ बचा नहीं है। इसमें भी इसके जो है नोक ना, वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये नोक ख़त्म हो चुकी हैं तब ये चक्कर पे बैठेगा नहीं, ढीलेगा नहीं, ये छटक जाता है, इसे डाक जाता है ऊपर से। वही हाल इसका भी है, देख सकते हैं। तो बहुत बुरा हाल है। अगर इमरजेंसी में अगर आपका काम बंद हो रहा है, मशीन बंद हो रहा है, तो इसको घर पे कैसे बना करके चलाएंगे, इसे हम बनाने का तरीका आपको दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे कैसे बनाते हैं घर पे इसको। ये देखिए नोक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर मशीन बंद हो गया है तो आप इसको घर पे ही बना करके इमरजेंसी में लगा सकते हैं। जैसे रात का मामला होता है, दुकान नहीं खुला होता है, तो इसे घर पे बना दीजिए। देखिए आप इस तरह से ग्राइंडिंग मत कीजिए। मैं तो ग्राइंडिंग में एक्सपर्ट हूँ, माहिर हूँ। मैं कैसे भी रहे इलेक्ट्रिक ग्राइंडिंग में एकदम माहिर हूँ, मैं कर लेता हूँ। आप बिना गॉगल के, बिना हैंड ग्लव के ग्राइंडर ना यूज करें, मेरी यही गुजारिश है आपसे। तो मैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ग्राइंडिंग किया करता था, सुबह से लेकर शाम तक ग्राइंडिंग ही किया करता था। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 24 घंटे लगातार सिर्फ ग्राइंडिंग ही किया करता था। एक हफ्ते, महीनों महीनों लगातार रोजाना वही काम किया करता था। इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैं हाथ से डायरेक्ट पकड़ के भी कर लेता हूँ, कैसे भी हो मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। बस ये जान लीजिए, मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इसको अच्छे से कर लूँगा। हाँ, ख़तरा मुझे भी हो सकता है, सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस तरह से ना करें। इसमें धार आ गई है, अब इसका नोक बन गया है, अब ये चल सकता है, चलने लायक ये हो गया है। बस इसको थोड़ा सा और राउंड करके घिस देंगे।
अब ये इतना गर्म हो गया है कि अब हमें प्लायर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना हीट हो गया कि हाथ से पकड़ करके नहीं कर सकती हैं। करेंगे बाद में, थोड़ा ठंडा हो जाने दें। तो अब आप देख सकते हैं कि इनके नोक हमने तैयार कर दिए हैं, काम चलाऊ हो गए हैं, अब ये आसानी से चल सकते हैं। तो आपको भी कभी ऐसी समस्या आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो इस तरह से घर पे अपना इमरजेंसी में काम कर लीजिए।